नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि वो अफोर्डेबल आ रहा है नया, उसके रिलेटेड कुछ सवाल हैं लोगों के, तो वो सवाल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये जो जो आंसर्स होंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, क्योंकि मैंने दो वीडियो डाली थी, पार्ट वन और पार्ट टू में। पार्ट वन में मैंने लोकेशन को समझाने की कोशिश की थी और पार्ट टू के अंदर मैंने लेआउट को समझाया था और किस टाइप से ये प्रोजेक्ट है, कैसी लोकेशन है, वो सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपने नहीं देखी या पहली बार है तो आप पहले वो वीडियो देखें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर हो, अगर आप अफोर्डेबल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट की डिटेल और अफोर्डेबल के से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो हमारा जो पहला जो ऑप्शन आता है कि हमें अफोर्डेबल कैसे सर्च करना चाहिए अच्छे वाला, सबसे पहले मैंने वीडियो डाली थी लोकेशन की, कि भाई आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आप सेलेक्ट करते हो अपनी लोकेशन, तो इसलिए सबसे पहले मैंने लोकेशन की वीडियो बनाई थी। वो वीडियो देखना, आपका पहला प्रोसेस होगा लोकेशन को सेलेक्ट करना, आपके रिक्वायरमेंट में है या नहीं है। दूसरी वीडियो मैंने डाली थी प्रोजेक्ट के लेआउट की, वो जो लेआउट है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हम तीसरे प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो तीसरा जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका बैंक लोन का। अगर आप अफोर्डेबल के अंदर बैंक लोन लेना चाहते हो तो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले ही अपना लोन है वो सेंशन करवा के रखें कि आपका लोन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप पहले ही पूछ लें बैंकर से। एक कॉन्टेक्ट दे दूंगा मैं आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको जो स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा नंबर, इस नंबर पे कॉल करके मेरा रेफरेंस ले लेना। तो आप अगर लोन लेना चाहते हो तो ये लड़का आपको प्रॉपर तरीके से लोन भी बता देगा कि आपका इतना लोन सेंशन हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपका लोन सेंशन नहीं हो रहा है, आप फॉर्म का अप्लाई भी कर दो और फिर जाके लोन ना हो और फिर वो आपको कैंसिल करना पड़े तो आपका नुकसान होगा, तो आप पहले ही इस चीज को सेंशन करवा के रख लो। आप इनके पास कॉल कर लेना और मेरा रेफरेंस दे देना, तो आपके से जो भी डिटेल मांगे इनको दे देना और आपका जो भी लोन वगैरह है कितना सेंशन होगा वो सारी चीजें बता देंगे। दूसरा हमारा आता है कि आपने लोन भी करवा लिया, ठीक है जी, आपका लोन भी सेंशन हो गया। अब बात आती है कि आप ये प्रॉपर्टी सेल्फ यूज से ले रहे हैं या आप ले रहे हैं इसको इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने लोकेशन देख ली, लोकेशन आपके हिसाब की है, लेआउट देख ली, लेआउट आपके हिसाब के है। सेल्फ यूज में तो फिर भगवान भरोसे है भी आपकी कौन सी यूनिट निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर तो आपका कोई चांस होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सारा का सारा ड्रो से होगा, ऊपर भी आ सकती है, टेढ़ी मेढ़ी जो भी है नीचे ऊपर हर जगह आ जाएगी, वो तो ड्रो होने के बाद पता चलेगा कि वो आपकी रिक्वायरमेंट में है या नहीं है, ठीक है जी। बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी इसके अंदर। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो अगर आपके अंदर 7 से लेकर 10 साल तक होल्ड करने का पेशेंस है अच्छी इन्वेस्टमेंट, तो आप इसके अंदर जाओ। और अगर आप चाहते हो कि पोजीशन के बाद ही आप इसको सेल आउट करने जाओगे, क्योंकि उस टाइम अवेलेबिलिटियां भी ज्यादा होती हैं और उस टाइम तक सिग्नेचर ग्लोबल का गोल्फ ग्रीन भी रेडी हो जाएगा और साथ में रेडी होगा आपका बुध का जो 79 के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। यहाँ पे 3-4 ये अफोर्डेबल है, ये स्टार्टअप हो जाएंगे और वहां पे अवेलेबिलिटियां हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप ये चीजें सोच के चलें कि आप ये जो पैसा लगाने जा रहे हैं क्या आप इतने साल तक होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि भाई जो अफोर्डेबल आप बाय करते हैं, आप 5 साल तक अपना पैसा है ना वो स्टोक कर रहे हैं अफोर्डेबल के अंदर, क्योंकि 5 साल से पहले आप इसमें सेल नहीं कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट में के साथ साथ आता है आपका रेंटल इनकम का, कि रेंटल इनकम कैसे है कि मान लीजिए रो फ्लैट आपको मिलता है अफोर्डेबल के अंदर और आप रो का रो ही रेंट आउट करना चाहते हैं तो आपको रेंट कम मिलता है, ठीक है। और अगर फ्लैट के अंदर अच्छा वुडन कराओगे, अच्छा किचन के अंदर कराओगे, गीजर लगाओगे, पंखे लगाओगे, ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से अच्छी सेटिंग वेटिंग करके बेडरूम में जो अलमीरा वगैरह है उसको अच्छी तरह करवाओगे तो आपको एक अच्छा रेंट मिलेगा। और वैसे ही जैसे नॉर्मल वुडन वर्क वगैरह करा दिया, नॉर्मल कई कबाड़ी वाले से अलमीरा उठा के वहां रख दी, तो फिर वो आपको रेंट वैसा ही मिलेगा। अब जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा रेंट मिलेगा।
रेंट भी जैसे ही प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन पे होती है तो उसी टाइम आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं होगी, वो धीरे धीरे होना शुरू होती है, क्योंकि एक सोसाइटी को भरने में 1 से 1.5 साल लग जाता है, और उस टाइम बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी होंगी। आपने मान लीजिए 2 BHK अप्लाई किया, आपका 2 BHK निकल गया और उसके अंदर आपने रेंट मांग लिया जी वहां पे 10,000 रुपये का, और बगल वाले आपके ही फ्लोर पे क्या मतलब 3 फ्लैट ऐसे हो जो कोई 7,000 भी मांगता मिलेगा, 8 भी मांगता मिलेगा, 9 भी मांगता मिलेगा। तो जो किराएदार होता है ना वो देखता है सस्ती चीजें कि उस, क्योंकि किराएदार मोस्टली चीजें अपनी खुद लेके चलता है, तो उसको तो सिर्फ फ्लैट चाहिए, सस्ता कौन दे रहा है। और सस्ते फ्लैट के साथ साथ भी वो ये देखेगा कि उसकी जो गाड़ी है वो कहाँ पार्क होगी। अगर आपके पास कार पार्किंग का ऑप्शन नहीं है तो भी आपकी रेंटल में दिक्कत आ सकती है, प्रॉपर्टी को रेंट आउट होने में। और क्योंकि अभी शायद ये अलॉट नहीं कर रहे हैं पार्किंग का, पार्किंग अलॉट होगी आपकी शायद ये पोजीशन के बाद, बोल रहे हैं कि जैसे, या फिर बीच में जैसे जैसे 1-2 साल हो जाएगा तो कार पार्किंग शायद उस टाइम अलॉट कर दें, और ये मोस्टली पैसे पे बिकेगी। और क्योंकि कार पार्किंग फ्री नहीं है, पेड होगी, अब कितना होगा ये आइडिया नहीं है, कहीं आप फोन करके पूछने लग जाओ कि कार पार्किंग का कितना चार्ज, अभी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, सेल्फ यूज होगी, रेंटल इनकम पता हो गई, अब आपको कितना होल्ड करना है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तीसरी बात करते हैं जी, ये जो प्रॉपर्टी है ये माई वन होगी नॉन माई वन होगी। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मोस्टली अभी तक जो सुनने में आए वो है माई वन कंस्ट्रक्शन। अब सही असलियत में इसकी चीज का तब पता चलेगा जब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। ठीक है जी, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जब तक चीजें आंखों से नहीं देख लो तो उस चीज के ऊपर बिलीव करना मुश्किल है। अब बात आती है जी आपकी जो पेमेंट प्लान है वो कैसे है। पेमेंट प्लान है जी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, और कैसे कैसे जाएगा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ पेमेंट प्लान की कैसे कैसे जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देख लो। लेआउट भी है और फिर उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन लोकेशन की है वो भी चीजें देख लो, अगर नहीं देखी है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दो ताकि हम अगले आंसर की तरफ बढ़े। एक ने पूछा है कि आपके हिसाब से ये प्रोजेक्ट कैसा है। ठीक है जी, अब मेरा हिसाब से तो आप नहीं चलोगे मुझे पता है, आप अपने हिसाब से चलो तो बेटर रहेगा। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो रिक्वायरमेंट, मैं देखो एक ही चीज हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि रिक्वायरमेंट जहाँ सूट नहीं होती वहां मत जाओ, जहाँ रिक्वायरमेंट सूट होती है आपकी, आपकी रिक्वायरमेंट की चीज होती है तो वहां पूछने की जरूरत नहीं है किसी से भी, क्योंकि आपको रहना है, पैसा आपका जाना है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं मेरे हिसाब से देखूंगा तो मैं तो मेरे हिसाब से तो मैं कोई मेरी रिक्वायरमेंट की प्रॉपर्टी सर्च करूंगा ना, कि मैं ये थोड़ी ना कि कहीं भी लगा दूंगा, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट जो मेरी सूट हो रही है मैं वहां ट्राई करूंगा। तो ये चीजें आप खुद सेलेक्ट करो तो बेटर होगा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलो आप। एक ने पूछा है जी लाइव कब होगा, ये प्रोजेक्ट 3 से 4 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा जिस हिसाब से आगे से इंफॉर्मेशन आई है, भाई 3-4 दिन में हम 26 जनवरी के आसपास इसको लाइव कर देंगे। अगर नहीं निकलता है तो पैसे कब मिलेंगे। हाँ ये भी बात सही है, अगर आपका अफोर्डेबल फ्लैट नहीं निकल जाता है तो विदिन 1 मंथ या उससे पहले भी आपके जो पैसे हैं, जो भी आपने 5% अमाउंट डाला है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और वो बैंक अकाउंट कौन सा होगा, जब आप पीसीपी हरियाणा की साइट के ऊपर जाके अप्लाई करोगे ना तो वहां पे एक बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है कि आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल डालो, तो जो बैंक अकाउंट आप डालोगे उसी के अंदर आपका पैसा वापिस आ जाएगा। एक ने पूछा है कि प्रॉपर्टी कब तक बेच सकते हैं। हाँ अफोर्डेबल के अंदर 5 साल से पहले आप प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं कर सकते हो, अगर आप बीच में सेल आउट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हो, और फिर भी अगर आप सोचते हो कि अभी पैसा है नहीं, मैं हैंड ओवर कर पा रहा हूँ, आगे नहीं दे पा रहा हूँ, पैसा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप वापस बिल्डर को हैंड ओवर कर सकते हो, उसका चार्ज कटेगा। और जिस टाइम आप कैंसिल करवा रहे हैं वो टाइम देखा जाएगा कि कितना ड्यूरेशन हो चुका है, उसके हिसाब से आपका चार्ज कटेगा। और अदरवाइज आप सोचते हैं मार्केट में सेल कर दूँ तो नहीं होगा, वो जीपीए के ऊपर बिकेगा, कोई हो तो देख लेना उसके हिसाब से। न्यू बिल्डर है कैसा है। ओके, ये भी सवाल काफी लोगों के बीच में है। देखो कोई ना कोई बिल्डर कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। आप मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं या कहीं जॉब स्टार्ट की है या कहीं कुछ और कुछ भी लगा लो बिजनेस स्टार्टअप, तो आपने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी।
ठीक है। तो जो नया बिजनेस होता है, नई होती है, उसमें कहीं ना कहीं प्लस माइनस जरूर होते हैं, लेकिन हमें अगर प्रॉपर्टी चाहिए चाहिए तो हमें ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा अगर आप जनरल ड्रो के अंदर जाते हो। अदरवाइज आप इसके अलावा प्रीमियम नहीं देना चाहते हो तो बाकी प्रोजेक्ट पूरी मार्केट आप लोगों के लिए बंद है। सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको जनरल बुकिंग और नॉर्मल जो अमाउंट है उसके ऊपर जा सकता है। अदरवाइज आप सोचते हो कि थोड़े अच्छे बिल्डर की प्रॉपर्टी ले लें तो फिर आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रीमियम पे भी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जो प्रीमियम नॉर्मल हुआ करता था, आज वो बहुत हाई हो गया, क्योंकि लोगों की डिमांड हो गई। एक तो अफोर्डेबल नहीं आ रहे हैं, और ये अफोर्डेबल भी करीब ये लगा लो बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो लोग हैं वो जो डिमांड है वो इकट्ठी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आने के भी चांस है इसके अंदर। तो आपको इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए एफिडेविट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ से आपको एफिडेविट डाउनलोड करनी है, और फिर आपको कोर्ट में जाके उसके ऊपर जो भी लिखा होगा 10 रुपये का या 20 रुपये की नोटराइज करानी है, उसी को प्रिंट निकालना है, उसी के ऊपर अपनी डिटेल फिल करनी है, उसके ऊपर आप टिकट लगवा लो, या उसके ऊपर जो 10 या 20 रुपये का नोटराइज है वो निकल जाता है सही, और साइन करके फ़ोटो उतार के फ़ोन से अपलोड कर देना है TCP हरियाणा में, जहाँ पर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करोगे ना, उसी के साथ साथ वो भी अपलोड आप लोगों ने कर देनी है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, और वहीं पे आपको लेआउट मिलेंगे। तो ये थी कुछ डिटेल, हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई। हाँ, बैंक लोन की थोड़ी रह गई थी कि बैंक लोन इसमें 90% बैंक लोन हो जाता है, और बैंक लोन जब भी करवाओ ना, जो नंबर मैंने दिया था उस बंदे से पूछ लेना, वो आपको पूरी चीज़ें गाइड भी कर देगा। लोन कि जो किस्त है ना, वो पोजीशन के बाद आप पे बंधवाना, उससे पहले आप क्या करोगे, सिर्फ जो इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट की EMI देना, उससे पहले आप अपनी एक्चुअल EMI मत देना, ताकि आप पे बर्डन नहीं आए। जब ये पोजीशन होगी ना, हो सकता है आपका प्रॉपर्टी है ना वो रेंट आउट हो जाए, तो जो रेंट आउट होगा कुछ EMI है वहाँ से भी आपका कुछ सारा है वो लग जाएगा। तो पोजीशन के बाद इसको जो EMI है उसको स्टार्ट करना आप। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दियो, और अगर अप्लाई कर रहे हो, आपकी सब कुछ चीज़ें सेट हो रही हैं, तो अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ना वो जल्दी जल्दी शेयर करना, और जल्दी अप्लाई करना। 2-3 घंटे में मोस्टली एप्लीकेशन आने के बाद ये लोग बंद कर देते हैं। अब पता नहीं उस सिस्टम का कि वो सही चलता है या नहीं चलता है, TCP पे लाइव होती है चीज़ें। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, और घंटा जरूर बजा लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।